क्या गरीना फ्री फायर में फायर बटन के साइज चेंज करने से ड्रैग हेडशॉट और वन टैप हेडशॉट में कोई चेंज आता है? इस बात को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइज, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फायर बटन के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ एम दिया था, वो आप लोगों ने ऑब्वियसली कंप्लीट कर ही दिया है। तो आज इस वीडियो में हम फायर बटन के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हम फायर बटन के टाइप से। तो गाइस, फ्री फायर में आपको दो फायर बटन के टाइप्स मिलते हैं। सबसे पहला है राइट फायर बटन और दूसरा है लेफ्ट फायर बटन। अब यहाँ पर ये दोनों फायर बटन है ना, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब मैं सबसे पहले आपको राइट फायर बटन की बात करूँ ना, तो ये फायर बटन डायरेक्शनल कंट्रोल्स के साथ आता है। मतलब कि इस फायर बटन को जब आप प्रेस करते हो तो आप अपने एम को मूवमेंट करवा सकते हो, ठीक है। जबकि लेफ्ट साइड का जो फायर बटन आता है ना, उसको प्रेस करने पर आपको कोई मूवमेंट नहीं मिलती है, आपका सीधा फायरिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि राइट साइड का जो फायर बटन है, अगर आप स्नाइपर यूज कर रहे हो तो राइट साइड का फायर बटन छोड़ने पर गोली चलेगी, जबकि लेफ्ट साइड का फायर बटन टच करने पे गोली चल जाएगी। तो सिंपल सी चीज है कि दोनों बटन काफी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो गाइस, बैकग्राउंड में जिस तरह से M1887 से हेडशॉट्स लग रहे हैं, अगर आपको भी उसी टेक्निक से हेडशॉट्स मारने हैं मोबाइल के अंदर, तो आप मेरे को इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके बता दीजिए। अगर इस वीडियो के ऊपर 12,000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं और 3,000 कमेंट्स कंप्लीट होते हैं, तो गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो वहीं बना के डाल दूंगा। उसी के साथ साथ उस वीडियो में अब तक की जितनी भी M1887 की स्किन्स आई है, उन सब स्किन का रैंकिंग भी दे दूंगा कि कौन सी स्किन सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो इतना करने से नहीं होने वाला है कुछ, आपको साथ में सब्सक्राइब भी करना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन क्लिक करो, ऑल सेलेक्ट कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस, यहाँ पर सीधी बात है कि राइट साइड का फायर बटन यूज़ करके आप ड्रैग हेडशॉट, वन टैप हेडशॉट या फिर 360 ग्लू ऑल या ऐसी कोई भी चीज़ कर पाओगे जिसमें आपको कैमरा मूवमेंट चाहिए, ठीक है। जबकि लेफ्ट साइड का फायर बटन है ना, उसमें आपको कोई कैमरा मूवमेंट करने को नहीं मिलती है। मतलब कि उसके अंदर अगर आपने एक बार बटन दबा दिया तो ऑन द स्पॉट वो ट्रिगर हो जाएगा और आपका जो भी टास्क है वो कंप्लीट कर देगा। मतलब कि अगर मैं स्नाइपर का एग्जांपल लूँ, तो अगर मेरे पास एक AWM है और मैं अगर राइट साइड का फायर बटन दबाता हूँ तो वहाँ पर स्कोप खुलेगा, जब मैं उस बटन को छोड़ूंगा तब गोली छूटेगी, मतलब निकलेगी। और जो लेफ्ट साइड का फायर बटन है, वो अगर मैं दबाऊंगा तो वो स्कोप खोले बिना सीधी गोली मार देगा। तो यही डिफरेंस है कि लेफ्ट फायर बटन और राइट फायर बटन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो गाइस, अब हम आते हैं मेन इश्यू के ऊपर कि क्या आपके फायर बटन की साइज छोटी बड़ी करने से क्या ड्रैग हेडशॉट या वन टैप हेडशॉट में कोई चेंज आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो मेरा सिंपल एंड परफेक्ट आंसर है, नहीं आएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों नहीं आएगा। देखो गाइस, अगर आप साइज चेंज करोगे तो आपके वन टैप हेडशॉट या ड्रैग हेडशॉट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पर अगर आप पोजीशन चेंज करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि शायद उसके अंदर डिफरेंस आ जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ना, ये मैं आपको एकदम परफेक्ट साइंटिफिक तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक साइड पे रखा है एकदम छोटा वाला फायर बटन और एक साइड पे रखा है एकदम बड़ा वाला फायर बटन। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों फायर बटन को एक साथ ऊपर खींचता हूँ, तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड का जो फायर बटन है वो आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा ऊपर खींचा है और राइट साइड का जो फायर बटन है वो आपको ऐसा लगेगा कि कम ऊपर खींचा है। पर अगर प्रॉपर देखा जाए तो दोनों एक समान ही ऊपर खींचे गए हैं। मतलब कि आपके फायर बटन की कोई भी साइज हो, आप जब ड्रैग हेडशॉट मारते हो तो आप फिंगर को जहां पर स्क्रीन पे टच करते हो वहीं से आपका स्लाइड अप काउंट किया जाता है। आपके फायर बटन की साइज से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि आप अगर प्रॉपर स्लाइड करना सीख गए हो तो आपके फायर बटन की साइज 1% हो या 100%, उससे कोई चीज मैटर नहीं करती है। अब यहाँ पर बहुत सारे बंदे मेरे को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका फायर बटन नीचे क्यों रहता है। तो यार, उसका सिंपल सा जवाब है, मुझे ज़्यादा जगह मिल सके इसलिए। अब यहाँ पर फायर बटन अगर आप नीचे रखोगे ना, तो आपको दो एडवांटेज हो गए। पहला तो आपका जो अंगूठा है वो आपके फ़ोन के डिस्प्ले को रोकेगा नहीं, मतलब आपको ज़्यादा चीज़ें दिखेगी स्क्रीन के ऊपर। और दूसरा कि आपको स्वाइप करने के लिए ज़्यादा जगह मिल पाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि एक साइड पर मैंने फायर बटन को सेंटर में रखा है और दूसरी साइड पर मैंने फायर बटन को बॉटम में रखा है। तो आप देख सकते हो कि दोनों में मेरे को कितनी जगह मिल
रही है ऊपर स्वाइप करने के लिए। तो फ्री फायर का जो मैकेनिज्म है ना टच स्क्रीन का, वो इस तरह से काम करता है कि आपने एक बार टच किया, फिर आप उस टच को जितना दूर ले जाओगे आपके कैमरा की मूवमेंट उतनी तेज होती जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जितना टच किया उतना ही कैमरा घूमेगा, नहीं, आप जितना लंबा खींचोगे जितना तेज खींचोगे उतना आपका कैमरा दूर और तेजी से घूमेगा। तो आपको यही चीज़ करनी है कि आपका फायर बटन जितना नीचे हो सके उतना नीचे लाना है, जिससे आपको चीज़ें भी ज़्यादा दिखेगी और आपके हेडशॉट और ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए फिंगर को जगह भी ज़्यादा मिलेगी। तो गाइज आई होप कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको M1887 या फिर दो नली या फिर देसी कट्टा से वन टैप मारना सीखना है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, और लाइक एम और कमेंट अब मैंने दे ही दिया है तो यार फटाक से फैला दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और यार बस मिलते हैं आपको